ये बताइए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंदिरा गांधी की हत्या कब और कैसे हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे जो राजस्थान में पड़ता है। राणा सांगा कहाँ के राजा थे? राणा सांगा मेवाड़ के राजा जो राजस्थान में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? दालत होती है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1900 सही बोलो को ना बोलो प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसमें सभी देशों के देश शामिल है। इसका एक मार्केटिंग ऑर्डर करते हैं। सभी देशों की समस्याएं जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अदालत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की अदालत को इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ बना है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ बनी है? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में बनी है। महात्मा गांधी ने क्या काम किया था? महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। सरकार ने कस्तूरबा गांधी के नाम से स्कूल बनवाया करते हैं। हाँ, महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ बना है? महात्मा गांधी का आश्रम गुजरात के साबरमती बना है। ताजमहल कहाँ बना है, इसे किसने बनवाया था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बनाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ बना है, इसे किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा आगरा की फतेहपुर सीकरी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ बना है, इसे किसने बनवाया था? अकबर का मकबरा कहाँ बना है? अकबर का मकबरा आगरा के कन्नौज में बना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? हुमायूं का मकबरा बाद के अंदर दिल्ली में बना है। समाज किसे कहते हैं, समाज में कैसे रहा जाता है? यहाँ का बहुत सारे लोग रहते हैं, समाज कहते हैं। समाज में अच्छे लोग रहते हैं, गंदे लोग रहते हैं। अच्छे लोग गंदे लोग से दूर रहते हैं। अगर समाज में कोई बुरा लोग रहता है तो उस चीज का इंसान जाकर पुलिस से भी रहते हैं। फिर अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। अभी टाइम लगाती है, लोग डर जाते हैं। फिर आदमी को बुलाया जाना नहीं करता। फिर अभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही समाज की भूमिका होती है। हमारे महाकवि सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हमारे महाकवि सूरदास जी का जन्म कलकत्ता को आगरा जाकर कलकत्ता नामक गाँव में पंडित रामदास के घर हुआ था। रामदास एक साधु ब्राह्मण से कुछ विद्वानसी राम के स्थान को सूरदास का जन्मस्थान मानते हैं। इसमें भी अनेक पर राजस्थान से सूर्य का सुंदर भाव सूरदास जी ने किया था। ऐसा कोई धंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए पृथ्वी खोटा कि संभवतः भाई बाद में अंधे हुए होंगे। इन्हीं चार महान कवियों के नाम बताइए। सूरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी क्या कहते हैं? खाते थे कि गाड़ी खाए जो ना खाते थे। कौन आवाज